स्टार्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में, सई के स्कूल में कुछ फंक्शन होगा जहाँ पर पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। वहाँ पर सई के साथ उसकी टीचर कम उसकी परी आंटी तो होगी ही, साथ में वहाँ पर रजत भी आएगा क्योंकि वो सई का पापा जो है। ऐसे ही एक कॉन्वर्जेशन में उनसे पूछा जाएगा कि वो दोनों क्या पति पत्नी हैं, रजत और सई। दोनों ही बहुत एम्बेरस हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो फिर पति पत्नी काहे के। इतने में ही सभी रजत से पूछेगी भी कि आप तो यहाँ नहीं आने वाले थे ना, तो फिर क्या हो गया, अचानक से क्यों आ गए। फिर अचानक से उन्हें ये भी कहा जाएगा कि सभी रजत की होम मिनिस्टर है क्या। ये दोनों सच में परफेक्ट कपल लगते हैं, साथ ही सई के परफेक्ट पेरेंट्स भी लगते हैं। सई चुपचाप सुनती रहेगी और सभी और रजत के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं होगा। उसके बाद रजत सभी से कहेगा मुझे एक फेवर चाहिए। सभी सोचेगी रजत को उससे क्या फेवर चाहिए होगा। उसके बाद रजत तो कहेगा, वो सुनकर सभी के होश उड़ जाएंगे। रजत सभी से कहेगा क्या तुम मेरी पत्नी बन सकती हो कुछ दिनों के लिए। अब सवाल ये है कि सभी तो बहुत नफरत करती है रजत से, फिर क्या वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। क्या सई के लिए वो अपना ईगो और अपनी नफरत को साइड में रखकर रजत की पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाएगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।